हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल शुभम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज आपके बीच फिर से एक नया टॉपिक होगा आज हमारा टेनिस ओपन। कि टेनिस ओपन में कौन कौन से चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताऊंगा आज, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो टेनिस ओपन होते हैं, टेनिस ओपन मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और नंबर चार पर आता है यूएस ओपन, ठीक है। अगर सबसे पुराने की बात करें कि इनमें सबसे पुराना कौन सा है, तो इनमें सबसे पुराना है हमारा विंबलडन ओपन, ठीक है, ये सबसे पुराना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक एक करके बताता हूँ। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1905 में, ठीक है, 1905 में, ठीक है। अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें, पहले हम विंबलडन ओपन की बात कर लेते हैं कि विंबलडन ओपन कब स्टार्ट हुआ था। विंबलडन ओपन स्टार्ट हुआ था हमारा 1877 में, ठीक है। अब बात करें यूएस ओपन की, यूएस ओपन स्टार्ट हुआ था हमारा 1881 में, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था हमारा 1891 में, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो सबसे पुराना है इनमें हमारा विंबलडन ओपन, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सा टेनिस ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या है कि सबसे ऊपर वाला खेला जाता है हमारा हार्ड, ठीक है, और सबसे निचले वाला भी हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। अब बात करें कि फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है हमारा क्ले कोर्ट पर, ठीक है, और हमारा विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास पर, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि कौन सा टेनिस ओपन कौन से महीने में खेला जाता है, मतलब वर्ष के कौन से महीने में खेला जाता है। तो अगर बात करें हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये वर्ष के पहले महीने में खेला जाता है, यानी कि जनवरी में, ठीक है, ये हमारा हो गया जनवरी में, ठीक है। अब बात करें हमारा फ्रेंच ओपन कि फ्रेंच ओपन कौन से मंथ में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई और जून में, ठीक है। अब बात करें हमारा कि विंबलडन ओपन कौन से मंथ में खेला जाता है। विंबलडन ओपन खेला जाता है हमारा जुलाई में, ठीक है, और हमारा ये यूएस ओपन खेला जाता है हमारा अगस्त और सितंबर में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच और विंबलडन और हमारा यूएस ओपन किन किन खिलाड़ियों ने जीता सिंगल्स में, ठीक है, सिंगल्स की बात करेंगे। अगर हम देखें तो 2023 में सबसे सफल खिलाड़ी, ठीक है, वो हमारे नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। इसको छोड़कर, विंबलडन ओपन को छोड़कर, बाकी सभी तीनों ग्रैंड स्लैम हमारे नोवाक जोकोविक ने जीते, ठीक है, नोवाक लिख देता हूँ, ठीक है, और हमारा ये भी नोवाक हो गया, और हमारा ये भी हमारा नोवाक हो गया, ठीक है दोस्तों, नोवाक से आप याद रख लेंगे, मैंने नोवाक लिख दिया, सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी है, ठीक है। अगर बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में किसने जीता, तो महिला का नाम क्या है हमारा, आर्यन सवालेंका, ये हमारी बेलारूस की रहने वाली खिलाड़ी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि फ्रेंच ओपन में फीमेल वर्ग में किसने जीता, फीमेल वर्ग में जीता हमारा इगा स्वाटेक, जो पोलैंड की रहने वाली खिलाड़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विंबलडन ओपन में मेंस में किसने जीता, ठीक है, बाकी तीन तो हमारे नोवाक जोकोविक ने जीते, लेकिन जो हमारा ये विंबलडन ओपन है, ये हमारा 2023 का किसने जीता मेंस में, ये जीता हमारा कार्लोस अलकराज,
ठीक है। और बात करें कि विंबलडन ओपन में फीमेल वर्ग में किसने जीता, फीमेल वर्ग में अगर फीमेल वर्ग की बात करें तो फीमेल वर्ग में विंबलडन ओपन जीता हमारा फीमेल वर्ग में मार्केट वेंद्रोसोवा, मार्केट वेंद्रोसोवा। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली खिलाड़ी है, ये है हमारी चेक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि 2023 में फीमेल वर्ग में किसने जीता, ठीक है सिंगल्स में, तो ये जीता हमारा कोको है, और वो रहने वाली कहाँ की है, यूएसए की। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मुख्य रूप से टेनिस ओपन, चार टेनिस ओपन है। ठीक है, अगर बात करें अब की बार 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, ठीक है तो वो जीता हमारा जेनिक सिन्नर, जो इटली के रहने वाले खिलाड़ी है। अगर बात करें 2024 में फीमेल्स में किसने जीता, तो वो जीता आर्यन सवालेंका, जो बेलारूस की रहने वाली खिलाड़ी है। ठीक है, तो अभी तीन रह रहे हैं हमारे, ठीक है 2024 के फ्रेंच नहीं हुआ अभी, विंबलडन नहीं हुआ और यूएस ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो थी हमारी टेनिस ओपन, ठीक है टेनिस ओपन के बारे में इनकी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी है। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।